प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा होगा। लॉकडाउन है, घर के अंदर हैं, निकल नहीं सकते, बहुत सी चीज़ें रुक गई हैं, पर आपको बताऊँ इस लॉकडाउन से बहुत फ़ायदे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप लॉकडाउन में हैं, बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो ये कितना खूबसूरत समय है कि हम परिवार के साथ समय बिताएं, अपने रिश्तों को परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, वो परिवार जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उनके साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करें और खूबसूरत करें। खुदा के कलाम में पहला तिमोथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। परमेश्वर की भी मर्जी है, खुदा भी यही चाहता है कि वो परिवार जो खुदा ने हमको दिया है, हम उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ अपने रिलेशन को अच्छा करें। इससे पहले जब लॉकडाउन नहीं था, आप देख रहे होंगे कितना बिजी रहता है व्यक्ति, समय नहीं है किसी को किसी के देने के लिए। और आज अगर रिश्तों की मैं ये कहूँ टूटने का जो सबसे बड़ा कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कोई किसी को समय देने के लिए तैयार नहीं है। पत्नियां भी यही अक्सर अपने हस्बैंड के लिए शिकायत करती हैं, क्या बताएं ये हमको समय ही नहीं देते हैं, इनके पास सबके लिए समय है, हमारे लिए समय नहीं है। सुबह सुबह हस्बैंड देखिए उठते हैं, जल्दी से भाग दौड़ कर रहे हैं, हौच पौच वाली ज़िंदगी है, दौड़ रहे हैं किसी तरीके से जल्दी समय पर ऑफिस पहुँच जाएँ। बच्चे चिल्ला रहे हैं, मम्मा जल्दी से टिफ़िन बना के दीजिए, स्कूल में देर ना हो जाए। पत्नियाँ भी सुबह उठकर जल्दी जल्दी फटाफट काम करती हैं, समय नहीं है। जब बच्चे खा पी कर सो जाते हैं तब पापा अपने ऑफिस से लौटते हैं, समय नहीं है टाइम देने का। पर ये तो बड़ा खूबसूरत समय है जिसमें हम बाहर निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम इस समय का फ़ायदा उठाएं और अपने परिवार के साथ, जैसा परमेश्वर भी चाहता है, जो परिवार परमेश्वर ने हमको दिया, हम उनके साथ अपने रिश्तों को सही करें। बहुत से ढेर सारे लोग FB चलाते होंगे, है ना, FB पर हम कितना कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप, करते रहिए, कितने अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, शायद जिनको हम अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हैं, शायद जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते भी नहीं हैं, पर इसलिए करते कि हमारे कमेंट्स उनको अच्छा लगेगा, हमारे अप्रिसिएशन से उनको अच्छा लगेगा। पर कई बार हम परिवार के लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। आज आपको बताना मांगता हूं कि उनके साथ सहभागी रखें। सोचिए कि इससे पहले आपने कब पूरे परिवार के साथ बैठकर नाश्ता किया, सोचिए कि कब इससे पहले कि आपने अपने परिवार के साथ बैठकर लंच किया, डिनर किया। अब तो खूबसूरत समय है, ना आप निकल सकते हैं, ना परिवार का कोई और सदस्य निकल सकता है, तो कितना अच्छा होगा कि हम क्यों एक साथ मिलकर क्यों ना लंच करें, डिनर करें, ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता करें, एक दूसरे के साथ सहभागी रखें। भोजन सहभागिता का या सहभागिता का एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक साथ भोजन करना, एक साथ लंच करना, एक साथ डिनर करना। आपने देखा होगा सबसे बड़ी शिकायत जो परिवार में होती है वो बुज़ुर्गों को होती है। सभी लोग बुज़ुर्गों को बहुत इज्जत देते हैं अपने घर में, उनके लिए एक 10x10 का कमरा बना दिया, उसी में वो लोग रह रहे हैं, ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बनता है, डिनर बनता है, सबसे पहले उनको दिया जाता है। पर जानते हैं उनकी से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको इज्जत बहुत मिल रही है, उनको एक कमरा बनाकर दे दिया गया है, दादी ये आपके लिए, नानी ये आपके लिए, दादा ये आपके लिए, दादा नाना ये आपके लिए, पर कोई भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो तरसते हैं। सच बता रहा हूं, बुजुर्ग तरसते हैं कि काश कोई आकर हमसे बातचीत कर ले, क्योंकि आप बिजी हैं, पर उनका तो लॉकडाउन पता नहीं कब से चल रहा है, उनके पास तो समय समय है, वो अपने कमरे में अकेले बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि काश कोई आए, कुछ देर हमसे बात कर ले। जवान बच्चे बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे दादा हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो बहुत पुरानी बात करते हैं। पर आपको बताऊं,
परमेश्वर हमसे यही तो चाहता है कि हम जो परिवार परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उनके साथ अपने संबंध को बहुत अच्छा रखें, बहुत अच्छा करके रखें। इस समय खास तौर पर मैं अप्रिशिएट करना मांगता हूँ तमाम महिलाओं को, क्योंकि हमें मालूम है लॉकडाउन चल रहा है, सब घर में है, बहुत मेहनत पड़ रही है। मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ, बहुत मेहनत पड़ रही है उसको, जो अभी जितना वो काम करती है उससे कई गुना ज़्यादा वो काम कर रही है। मैं अप्रिशिएट करना मांगता हूँ। और आपको बताऊँ, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हालांकि मैं और मेरी पत्नी हम लोग सब एक ही साथ रहते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, निकल नहीं सकते, तब भी साथ में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं। पर अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा वीडियो बनाकर उसको भेजा, अप्रिशिएट किया मैंने उसको, उसकी तारीफ करी। ये नहीं बताऊंगा कि मैंने तारीफ में क्या क्या बोला, एक अच्छा हस्बैंड जो भी एक अच्छी पत्नी को बोल सकता है वो सब मैंने बोला। इंतज़ार कर रहा वो वीडियो देखे, बार बार टहल रहा, आगे पीछे निकल रहा, चेक करे। थोड़ी देर बाद उसने चेक किया, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गई वो। ये समय बहुत अच्छा है हमारे पास, क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ संबंधों को अच्छा करें, बुजुर्गों के साथ बैठकर बात करें, उनको अलग कमरा ना दें, वो तरस रहे बात करने के लिए, क्यों ना हम उनके साथ बैठकर बात करें, क्यों ना हम उनके साथ बैठकर बातें करें, एक साथ बैठकर भोजन करें, परिवार के साथ अपने रिलेशंस को, परिवार के लोगों के साथ अपने संबंध को और खूबसूरत और मजबूत करें। देखिए खुदा का कलाम भी कह रहा है, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो विश्वास से मुकर गया है। खुदा बाप हमको कह रहा है, बेटा अपने घराने की और जिनके साथ तुम रह रहे हो, जो परिवार हमने दिया है उनके साथ तुम अपने संबंध को अच्छा रखो। बहुत अच्छा मौका होगा कि हम अपने परिवार के साथ अपने रिलेशन को बहुत अच्छा करें और सुदृढ़ करें। पता नहीं ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम अपने रिश्तों को खूबसूरत करें, अच्छा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा कि इसको शेयर करें। हमारी यूट्यूब चैनल अमृता मसीह के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट्स करें। खुदावंद आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, और दुआ करते रहिएगा ताकि खुदावंद ऐसे ही है अपनी खिदमत के लिए इस चैनल को, मुझे, कलीसिया को इस्तेमाल करता रहे। प्रेज द लॉर्ड।